नमस्कार, मैं ममता देवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। जालौन में एसडीएम ने 2000 लीटर कच्ची दलहन को करा नष्ट, मौके से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। जालौन जिले में अवैध शराब को लेकर हाई अलर्ट कर दिया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर उरई मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कोंच कोतवाली के महेशपुर रोड पर स्थित खाली पड़े मकान में अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब पर छापा मारा, जहां मौके से 2000 लीटर कच्ची दलहन को नष्ट किया गया, साथ ही 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। जालौन पुलिस की सक्रियता से कोच के महेशपुरा रोड पर एक मकान में कच्ची शराब बनाने का काम कई दिनों से चल रहा था। कानपुर में हुए शराब कांड को लेकर जिला प्रशासन जागा और मुखबिर की सूचना पर कोंच कोतवाली विनोद मिश्र और उप जिला अधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने पुलिस फोर्स के साथ मकान पर धावा बोल दिया, जहाँ 2000 लीटर कच्ची दलहन पाई गई। आज लगभग 6 बजे छापे की कार्रवाई की गई है गिरवर नगर कबूतर डेरे पे। लगभग 2000 लीटर लहन नष्ट की गई है और 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। सर, अभी कानपुर में भी 6 लोगों की मौत हुई है, क्या इस प्रकार की शराब यहाँ पाई गई? ऐसा अभी नहीं है, ये तो विश्लेषण की बात है और हम लोग कोशिश करेंगे इसी कोई पुनरावृत्ति या कोई इसी घटना हमारे क्षेत्र में न हो। सर, शासन का भी एक निर्देश जारी हुआ है कि ठेकों पर पुरानी शराब न बेची जाए, तो इस पर क्या कोई आप अभियान चलाएंगे पुरानी शराब चेक करने के लिए? चेक हुआ है आज ना, आज इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं चेक हुआ है। कोई मौके से गिरफ्तार? एक आदमी यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, जिसके मौके पर तुरंत नष्ट किया गया, साथ ही 40 लीटर कच्ची शराब एक ड्रम में पाई गई, जिससे प्रशासन ने अपने कब्जे में कर लिया। कच्ची शराब का धंधा करने वालों की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर महिला के अलावा कोई मौजूद नहीं था। एसडीएम सुरेश कुमार सोनी ने महिला को हिरासत में ले लिया और जेसीबी मंगाकर कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों को मौके पर रहकर नष्ट करवाया। उत्तर प्रदेश के जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। एडिशनल सीएमओ ने मारा निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैबों पर छापा, मचा हड़कंप। रामपुर में अवैध रूप से चलने वाले अस्पताल और पैथोलॉजी लैबों की लगातार शिकायत मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कई टीमें गठित की गई है, जिसके चलते एडिशनल सीएमओ डॉक्टर आर के चंद्रा ने रामपुर के मिलक में जगह जगह जाकर निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब्स में चेकिंग अभियान चलाया। जिस बीच बहुत सी निजी अस्पतालों में एडिशनल सीएमओ को डॉक्टर नदारद मिले, तो कई अस्पताल की वैधता को साबित करने वाले दस्तावेजों में कमी मिली, जिसके बाद एडिशनल सीएमओ का पारा चढ़ गया और उन्होंने अस्पताल और पैथोलॉजी लैब संचालकों को जल्द से जल्द वैध दस्तावेज का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचाने की बात कही। सर, आपने आज चेकिंग किया, चेकिंग अभियान चलाया, क्या क्या मिला आपको सर यहाँ पर? देखिए, इसमें जो है ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत प्राप्त हुई जी, उसी के क्रम में आज मिलक में जो है छापे मारे गए और जो पैथोलॉजियाँ हैं, कई पैथोलॉजी में उनका रजिस्ट्रेशन था, कई का रजिस्ट्रेशन नहीं था, मगर किसी भी पैथोलॉजी पे जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन था वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं पाए गए। और भी बहुत सारी कमियाँ जो है पाई गई हैं, उनको नोटिस जारी किया जाएगा और जो गलत होंगी उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उनका। सर, हॉस्पिटल्स भी आपने चेक किए हैं, क्या खामियां मिली? प्रकाश और नर्सिंग होम जो चला रहे हैं उसमें क्या खामियां? जो है उनका रजिस्ट्रेशन तो है, मगर जिनका रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से था वो रक्षा वहां पर मौजूद नहीं थे। वही दूसरी तरफ एडिशनल सीएमओ की सूचना मिलने पर सभी फर्जी रूप से संचालित नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर्स के शटर डाउन मिले। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के बिवार थाना में तैनात दरोगा ने अपनी निजी स्कॉर्पियो कार से वृद्ध महिला को मारी जोरदार टक्कर, जिससे महिला की मौत हो गई। बिवार थाना क्षेत्र के ग्राम छानी बुजुर्ग निवासिनी गिरिजा देवी प्रजापति लगभग 80 वर्ष पत्नी स्वर्गीय रामचरण प्रजापति दोपहर लगभग 1 बजे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसी समय थाना बिवार में तैनात दरोगा अमर सिंह अपनी स्कॉर्पियो को बैक कर रहा था। गाड़ी बैक करते हुए वृद्ध महिला को टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद दरोगा अपनी निजी कार लेकर मौके से फरार हो गया। परिवार के लोगों द्वारा महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना बिवार में अज्ञात खिलाफ रिपोर्ट लिखे जाने से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने हमीरपुर राठ मार्ग पर मृतक के शव को रखकर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम राठ सुरेश कुमार मिश्र ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए न्याय दिलाने की बात कही। एसडीएम की बात पर भरोसा करते हुए परिजनों व ग्रामीणों ने रोड पर लगे जाम को हटाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हरि माधव मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर देहात में एक ऐसा बालक है
जो महज 3 साल की उम्र में निपुण चालक की तरह ट्रैक्टर चलाता है। चेहरे पर मुस्कान लिए और हाथों में चाबी घुमाता ये मासूम बच्चा शब्दर है। शब्दर प्री में पढ़ रहा है और उसकी उम्र लगभग 3 साल है। अब जरा 3 साल के मासूम शब्दर का कारनामा भी देख लीजिए। दरअसल शब्दर एक निपुण चालक की तरह ट्रैक्टर चलाता है। हालांकि शब्दर के पैर ब्रेक तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब ब्रेक मारनी होती है तो शब्दर सीट से उतरकर ब्रेक मारता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर शब्दर एक कुशल चालक की तरह हॉर्न बजाता है। शब्दर के ट्रैक्टर चलाने के इस अंदाज से हर शख्स अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर 3 साल का बच्चा कैसे ट्रैक्टर चला लेता है। लियाजा पिता चांद बाबू राइन ने पहले शब्दर से खेतों में ट्रैक्टर चलवाया और फिर सड़क पर शब्दर निपुण चालक की तरह ट्रैक्टर चलाने लगा। वही ग्रामीण परिवेश होने के चलते अभी शब्दर का नाम सबसे छोटा ट्रैक्टर चालक के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन पिता चांद बाबू राइन का कहना है कि जानकारी कर शब्दर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल त्रिवेदी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। संभल के चंदौसी शहर के विभिन्न स्कूलों में छात्रा छात्राएं समर कैंप में भाग लेकर खास उत्साही दिखाई दे रहे हैं। आराध्या नारी सशक्तिकरण जन कल्याण समिति मोलागढ़ स्कूल में समर कैंप के 7वें दिन अध्यक्ष श्रीमती पूनम अरोड़ा समाज सेवी द्वारा बच्चों को पानी की बोतलें तथा फ्रूट देकर बच्चों का सम्मान किया गया। पूनम अरोड़ा द्वारा बच्चों को सलाद के टिप्स दिखाए और उन्होंने बच्चों को काफी संख्या में डांस सिखाया। रचना चौहान ने बच्चों को बताया कि ये समर कैंप बड़े शहर में होते थे, अब ये छोटे शहरों में भी होने लगे हैं। इससे बच्चे काफी खुश नजर आते हैं। हम आराध्या नारी सशक्तिकरण की प्रेसिडेंट हैं और हम स्कूल में बच्चों के कैंप में, समर कैंप में उनको समझाने आए हैं कि नारी सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जैसे हमारे योगी जी मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम स्कूलों में जाके और जगह जगह कॉलेजेस में जाके और जगह जाके अब बच्चों को उसके प्रति जागरूक करें। समाज सेविका की टीम ने संयुक्त द्वारा बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों को पुरस्कार देकर बच्चों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर के ताड़ीभार पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह मॉडल स्कूल का किया उद्घाटन और गांव में अचानक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के ताड़ीभार में मॉडल प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के लिए आरओ की पानी और खेलने के लिए झूलों, बैठने के लिए बेंच और दीवारों पर अच्छे अच्छे चित्र का भी निर्माण किया गया है, जिससे बच्चों के मानसिकता में कोई खराब संदेशा ना हो, इसलिए दीवार पर अच्छी अच्छी फोटो लगाई गई है। वही बड़ा ग्राउंड भी बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है और अच्छे टीचरों को भी नियुक्त किया गया है, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वही जिलाधिकारी ने अचानक गांव के मुसर बस्ती में भी निरीक्षण किया और सरकार द्वारा दिए जा रहे लोहिया आवास गैस बच्चों के लिए शिक्षा का भी जायजा लिया। वही बच्चों से भी ABCD पूछा, जहां पर बच्चों ने फटाफट जवाब दिया। वही जिलाधिकारी के द्वारा पूछे गए सवाल पर अध्यापिका फेल होती दिखी। गांव में लाइट की समस्या ना होने पर जिलाधिकारी ने 1 हफ्ता का समय दिया है कि जल्द से जल्द आप लोग गांव में व्यवस्था करें और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मृत्युंजय पांडे की रिपोर्ट। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जहां उसकी मौत हो गई। उन्नाव जनपद में रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब एक दुकानदार बाजार होकर अपने घर जा रहा था।
रोड पार करते समय सामने से आ रही तेज रफ्तार कार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उस गाड़ी के नीचे फंसकर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा चला गया। जब स्थानीय लोग समझते बूझते तब तक तेज रफ्तार जा रही गाड़ी आगे जाकर पलट गई और मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उस युवक को गाड़ी के नीचे से निकाला और घायल को अस्पताल लेकर पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पब्लिक ने गाड़ी ड्राइवर को जमकर पीटा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रिफर कर दिया गया है। पुलिस मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। फिरोजपुर में मौत वाले कुएं ने ली 3 लोगों की जान। जिला फिरोजपुर के कस्बा गुरु सराहे में सब डिवीजन में पड़ते गांव शरीर वाले में बीते देर रात शाम को एक किसान के खेत में ट्यूबवेल वाले कुएं से ईंटें निकालते समय मिट्टी का तोंडा गिरने से 5 व्यक्ति मिट्टी और ईंटों के नीचे दब गए, जिसके बाद पास के गांव और लोगों ने जेसीबी मशीन मंगवा कर राहत का काम शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस घटना में 3 लोगों के मारे जाने की घटना घट गई, जिससे पूरे इलाके में शौक की लहर दौड़ गई। वही एक बार फिर से कुएं में 5 लोगों के दब जाने की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग मशीनों और ट्रैक्टर के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और कुएं से दबे हुए लोगों को निकालने में जुट गए। वही इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कस्बा ममदोट सेक्टर में तैनात बीएसएफ की 29 बटालियन की कमांडेंट संजय कुमार अपने जवानों सहित राहत और बचाव कामों में जुट गए, जिसके काफ़ी मशक्कत के बाद रात 9 बजे तक कुएं में दबे हुए 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 3 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई जबकि 2 की हालत स्थिर बताई जा रही है। उधर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कुएं में दबे 5 लोगों के परिवार को 1,00,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान भी किया गया। पंजाब के फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश मिलती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें इससे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है indialiveNewsChannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialiveNewsChannel.com। नमस्कार।